यह आदमी रेत काटने के लिए तलवार का इस्तेमाल कर रहा है। अचानक उस जगह की रेत तुरंत डूब गई। वह उत्साह से अपने साथियों को चिल्लाया। उन्होंने रेत के ढेर को एक तरफ फेंक दिया। बहुत जल्दी नीचे लकड़ी की एक परत की खोज की। लकड़ी के पैनल हटाने के बाद एक कृत्रिम कुआं निकला। हर कोई नीचे कूदने में सक्षम नहीं होने से नफरत करता है। सार्जेंट रिजो ने एक चट्टान नीचे फेंकी लेकिन पानी की आवाज नहीं सुनाई दी। उनके भाव तुरंत काले पड़ गए। लेकिन रिजो ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने साथियों को नीचे आकर जांच करने को कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी टीम के साथी कुछ खोजने के लिए नीचे आएंगे। आखिरी उम्मीद टूट गई है। समूह तुरंत निराश हो गया। जैसे ही उसका साथी ऊपर जाने वाला था, उसने बहते पानी की आवाज सुनी। खोजने के लिए तुरंत कुएं की दीवार का अनुसरण करें। अंत में उन्होंने पानी के एक छोटे से स्रोत की खोज की। केवल 12 बूंदे हैं, लेकिन हर बूंद उसके दिल की तह में है। उसने जल्दी से एक गिलास पानी के साथ उसे उठा लिया। वह लालच से चाटता है और फिर अपनी हथेली में पानी की बूंद को चाटता है। कुछ घंटों बाद अंत में 2 कप पानी भर गया। ऊपर कमरे, ध्यान से रस्सियों से ऊपर खींचो, छूटने के डर से। हालांकि इतना थोड़ा पानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए केवल एक छोटा सा घूंट लेने के लिए पर्याप्त होता है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है। कामरेड जो पानी पी सकते थे, उनके पास दुनिया की सबसे संतुष्ट मुस्कान थी। पानी की अस्थायी समस्या का समाधान, लेकिन उनकी टंकी टूट गई है। इसी कारण वे 49 दिन तक मरुभूमि में दुखी रहे। यदि आप टैंक को ठीक करने के बारे में नहीं सोचते हैं, तो समूह देर सवेर मर जाएगा। अप्रत्याशित रूप से दुर्भाग्य आता रहा। दुश्मन के टैंक अचानक दिखाई देते हैं। सभी ने तुरंत अपने हथियार उठा लिए और युद्ध के लिए तैयार हो गए। इस आदमी ने सिर झुकाया और पैरों के निशान पाए। सब दौड़ पड़े आगे। अप्रत्याशित रूप से वे फंस गए थे। 3 नाजी सैनिकों की मौके पर ही मौत हो गई। अन्य 2 सैनिकों को भी रिजो ने बंदी बना लिया और उनकी पानी की बोतलें भी चुरा ली। लेकिन घड़े में पानी की एक बूंद नहीं है। जाहिर है नाजी जर्मनी भी पानी की कमी में पड़ गया। आखिर इस खौफनाक सहारा में हर कुआं सूखा है। दुश्मन की स्थिति का पता लगाने के लिए रिजो ने आप दोनों को रिश्वत देने के लिए पानी का एक बर्तन निकाला और एक गिलास में डाल दिया, लेकिन उसने इसे अपने मुंह में डाल लिया और फिर उसके ठीक बाद 2 नाजी सैनिकों का तुरंत दिल टूट गया। रिजो ने जो रौंदा, वही उसकी जिंदगी थी। फिर रिजो ने एक बार फिर पानी से भर दिया और उस व्यक्ति को मोहित करता रहा। अप्रत्याशित रूप से विरोधी समर्पण करने के बजाय मरना पसंद करेगा। नाजी जर्मनी के बारे में उपयोगी जानकारी बताने के लिए एक सेकंड के लिए दृढ़ रहे। जैसा कि यह निकला, नाजी सेना में 900 से अधिक पुरुष थे। उन्होंने अपने उपकरण समाप्त किए और स्थान की ओर दौड़ पड़े। रिजो ने अपनी भौंहें टेढ़ी कर ली। तुम्हें पता होना चाहिए, उनकी गठबंधन सेना में अब केवल 9 लोग ही बचे हैं। इसके अलावा बारूद चावल से बाहर है। यहाँ तक कि क्षतिग्रस्त टैंक का भी उपयोग नहीं किया जा सकता है। लेकिन तभी सिपाही ने कहा कि नाजियों ने कुछ दिनों के लिए पानी बंद कर दिया था। यह सुनते ही रिजो का आत्मविश्वास दोगुना हो गया। यदि यह अप्रत्याशित नहीं है तो दुर्घटना होने वाली है। सिपाहियों ने रिजो को बताया कि कुआं सूख गया है, पानी का कोई स्रोत नहीं है। यहाँ आने वाले नाजियों के पीछे और अधिक गठबंधन सेना को खतरा होगा। इसलिए रिजो ने जानबूझकर दोनों नाजी सैनिकों से कहा कि कुएं में अब भी पानी है। यदि आप पानी चाहते हैं तो आपको बदले में भोजन का उपयोग करना होगा। इसके बाद रिजो ने उन्हें जाने दिया। इसके बाद उन्होंने बैरकों के चारों ओर जाल बिछाया और बम लगा दिए। निश्चित रूप से जब नाजियों ने सुना कि विरोधी टीम के पास पानी है, तब मैं अब लाइन पार करने का इरादा नहीं रखता, लेकिन बस डटे रहो और पागलों की तरह कुत्ते की तरह कुएं की तरफ दौड़ो। लेकिन वे नहीं जानते कि जो उनके लिए इंतजार कर रहा है वह एक चाल है। नाजी सैनिकों के इस जत्थे को 10 साल से पानी नहीं मिला है। जैसे ही मैंने सुना कि सामने पानी है, मैं तुरंत भागा। वे क्या नहीं जानते कि सामने वाली टीम केवल 9 लोगों की है, फासीवादी सेना का 100 गुना अधिक सामना करना। रिजो शांति से आज्ञा देता है। सबके पास हथियार तैयार है, सहारे के लिए दीवार उधार ले लो। जब फासीवादियों पर बमबारी की गई, तो उनमें से 9 ने उसी समय शूटिंग शुरू कर दी फासिस्टों को भगाने के लिए। रही बात सामने वाली तस्वीर की, तो रिजो ने पहले ही उसे बम से भरने का ऑर्डर दे दिया था। कोई रास्ता नहीं, फासीवादी सेना को पीछे हटना पड़ा। लड़ाई का पहला भाग समाप्त हो गया है। गठबंधन टीम ने एक व्यक्ति को खो दिया, केवल 8 लोग रह गए। इसी समय नाजी सेना का सेनापति बातचीत करने आया। रिजो अकेला चला गया, लेकिन सेनापति ने प्रमुख को देखने के लिए कहा। लेकिन मुखिया नहाने में व्यस्त था और उसके पास उसे देखने का समय नहीं था। सेनापति ने उसकी ओर देखा और मुंह से झाग निकालना चाहता था, लेकिन उसका मुंह अभी भी कड़ा था। उसने उनसे कहा कि वे अपने हथियार सौंपते और यहां से चले जाए, नहीं तो वह हमला कर देगा। रिजो ने तुरंत मना कर दिया।
इसलिए फांसीवादियों ने मोटर दागे और गोलाबारी शुरू कर दी। लेकिन गठबंधन टीम के पास समर्थन की दीवार है। उन्होंने पानी पिया इसलिए उनकी ऊर्जा प्रचुर मात्रा में थी। इस लाभ के लिए धन्यवाद, मैं दुश्मन को खदेड़ने में सक्षम था। लेकिन फांसीवादी सेना के पास पानी की कमी थी इसलिए वे गिर गए। अब हमला करने की ताकत नहीं है। सेनापति फिर बातचीत करने गया। एक स्वरोजगार सिपाही उनसे मिलने गया। फिर जब दुश्मन रक्षाहीन होता है तो वह अपना चाकू निकाल लेता है। फांसीवादी सेना के कमांडर की मौके पर ही मौत हो गई। अपने सेनापति को खोने वाले फांसीवादी तुरंत पागल हो गए। एक बार में सभी हथियारों का प्रयोग करें। अंधाधुंध बमबारी के बाद गठबंधन टीम केवल दो लोगों के साथ रह गई थी। उन्होंने बची हुई कुछ गोलियां अपनी बंदूकों में भरी और एक आखिरी बाजी खेलने का फैसला किया। शेष सभी फांसीवादी सैनिकों ने भाग लिया। रिजो भी पलटवार करने की तैयारी कर रहे टैंक पर कूद गया। लेकिन यह पूरी तरह अप्रत्याशित था कि फासिस्टों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। वे सूखे कुएं की ओर दौड़ पड़े। लेकिन सूखा कुआं अब अप्रत्याशित रूप से पानी से भर गया है। यह पता चला कि पहले बमबारी गलती से कुएं से हो गई थी। जब फांसीवादी पानी पी रहे थे, रिजो ने सभी हथियार एकत्र कर लिए। अंत में दोनों ने लाइन की रखवाली करने वाले सैकड़ों कैदियों को पकड़ लिया। पीछे के गठबंधन सैनिक सुरक्षित थे।